एक मिनट। এখানটা কেটেছে। পুরো সুতোটা টানছিলে, কি হয়েছে লোকটা দেখেছো? পুরো গাল কেটে গেছে লোকটার। এই তোমরা এরকম ঘুরি ওড়ানো বন্ধ করো, ঠিক আছে? লোকের যান চলে যাবে, এখানে সুতোটা ধরে টানছো তুমিও তখন দিয়ে। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया हो, खुश हो, मजे से हो। बाय द वे गाइज, आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही कमाल का होने वाला है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं फिर से मोटो व्लॉगिंग वीडियो लेकर हाजिर हूँ। एंड आई नो कि एक अरसा बीत चुका है, मैंने मोटो व्लॉगिंग वीडियो नहीं किया है। एकदम जब मैं गया था XBHP रोड ट्रिप यूनाइटेड 2022 में, तब मैंने कुछ थोड़ा बहुत किया था मोटो व्लॉगिंग वीडियो। बट बहुत दिनों के बाद आज फिर से करने वाले हैं मोटो व्लॉगिंग वीडियो। बट जिस बाइक के ऊपर मोटो व्लॉगिंग वीडियो करने वाले हैं, वो बाइक बहुत ही कमाल का है, बहुत ही रेयर बाइक है। एंड वो अभी मेरे सामने, तो मैं आप लोगों को जस्ट अभी दिखाता हूँ वो बाइक, आप लोग देखो। एंड यार क्या बाइक है, मस्त बाइक है। तो 3, 2, 1 एंड हियर इज द बाइक गाइस। सो यस, आप लोग देख ही सकते हो, रेड सिल्वर ब्लैक अलॉयज और गोल्डन। तो ये रहा बाइक, एंड इस बाइक का नाम है, आप लोगों को पता है शायद से, बट फिर भी मैं बता देता हूँ जिन लोगों को पता नहीं है। दिस इज द यामाहा YZF R6। एंड R6 इंडिया में अवेलेबल नहीं है, दिस इज एन इम्पोर्टेड बाइक, तो इसको इम्पोर्ट किया गया है। एंड ये अपना फिरोज बाइक का है जिसका कस्टम कोटिंग है। तो गाइज आज इस बाइक को लेकर जाएंगे राइट पे टू NH6। इधर है NH6, इधर है NH2। तो अभी अपन लोग जाएंगे NH6 थोड़ा सा घूमने के लिए। आज मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ जाएगा मेरा दोस्त साहिद एज अ पिलियन। तो चलते हैं, अभी मोटो व्लॉगिंग वीडियो बनाना है तो मोटो व्लॉगिंग में ही बात करेंगे। अभी फ़ोन को रखते हैं पॉकेट में एंड स्टार्ट करते हैं मोटो व्लॉगिंग वीडियो। एंड आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर से करना एंड वीडियो को जरूर से लाइक मारना, अच्छा अच्छा कमेंट्स करना। ओके चलो निकलते हैं एंड मिलते हैं मोटो व्लॉगिंग सेटअप पर। और राइट गाइस, तो बहुत टाइम के बाद फिर से आप लोग मेरे चैनल पे वही मोटो व्लॉगिंग वीडियो अभी देख रहे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम बैक। यस, एंड इधर रख चुका है अपना, अरे इधर वाला एडेप्टर निकल गया है, तो इसको ठीक कर लेते हैं। एंगल वगैरह सब कुछ सही आ रहा है या नहीं एक बार चेक कर लेते हैं। आई नो ऑडियो में थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा गाइस, बिकॉज दिस इज़ नॉट माय प्राइमरी माइक्रोफोन। ए मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगाया, तो साउंड में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है, प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दैट। अभी करते हैं इस बाइक को ऑन एंड ये आप लोग देख सकते हो, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। और ये बाइक बहुत ज़्यादा लाउड है बिकॉज उसमें लगा है CR Resfit, तो रेव बॉम्ब्स। चलते हैं अभी निकलते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। वो आपका बाइकर बॉय जाहिर फिर से बैक ऑन बाइक। वाओ यार, ये 600cc इंजन में ना भाई बहुत ज़्यादा पावर है। बाय द वे इसका जो सीटिंग पोस्चर है ये थोड़ा सा अग्रेसिव है, लाइक बहुत ज़्यादा झुकना पड़ रहा है मुझे। एंड अभी तो पिलियन के साथ जाएंगे, देन यू कैन हैव एन आइडिया कि और भी ज़्यादा तकलीफ होगा, बिकॉज दिस इज़ अ सुपर स्पोर्ट्स बाइक। मुड़ मुड़ के देख रहे हैं आदमी लोग। ऑलराइट गाइस, तो अभी हम लोग हाईवे के ऊपर आ चुके हैं। एंड अभी जो हम लोगों का प्लान है, ऐसे मैंने फर्स्ट में ही बताया कि आज अपन लोग जाएंगे NH6, तो NH6 की तरफ चलते हैं, देखते हैं कहां पर जाएंगे। आज़ाद हिंद ढाबा, NH6 या गोलाघाट सेरे पंजाब, कहीं पर भी जा सकते हैं। तो चलते हैं एंड इस बाइक का भरपूर मज़ा लेते हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दी ऑडियो, आई नो थोड़ा सा ऑडियो में दिक्कत होगा आप लोगों को, बट प्लीज़ बेयर विथ मी गाइज, क्योंकि अभी उतना ज़्यादा मैं फ्रीक्वेंटली मोटो व्लॉगिंग वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, तो इन सब चीज़ों में थोड़ा सा ध्यान नहीं है। बट आई थिंक आप लोग खुश हो, क्योंकि आपका बाइकर बॉय जाहिर फिर से बाइक पे आ चुका है। एंड आई एम प्लानिंग टू बाय अ सुपर बाइक वेरी सून, इंशाल्लाह जब पैसा होगा खरीदेंगे ज़रूर। आप लोग दुआ करो कि वो दिन जल्दी आ जाए जब आपका बाइकर बॉय जाहिर फिर से एक सुपर बाइक खरीद ले। एंड चलते हैं, ज़्यादा स्पीड में मैं चलाऊंगा नहीं, बिकॉज मैंने स्पीड राइडिंग छोड़ दिया है। अभी आराम से चलाते हैं, मज़ा लेते हैं विंटर इवनिंग राइड का। एंड ये बाइक अपना फिरोज भाई का है, तो इसके ऊपर जो पेंट जॉब है वो फिरोज भाई ने किया है। एंड कमाल का पेंट जॉब है यार, जो रेड सिल्वर ब्लैक का जो कॉम्बिनेशन है ना, सुपर्ब।
भीख मांगना नहीं चाहिए, आपको पता है ना, जब आपके पास हाथ पैर सलामत है क्यों भीख मांगते हो? रेस लगा रहे हैं, देखो रेस लगा दिया भाई ने। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं धुलोगो टोल प्लाजा, एंड यार एक बार ट्राई करते हैं, कुछ दोस्त लोगों को कॉल करते हैं अगर कोई ज्वाइन करता है हम लोगों को, नहीं तो फिर अकेला अकेला राइड करना पड़ेगा। तो एक बार यहाँ पर रुकते हैं बॉस। डर नहीं लग रहा है ना? अच्छा है इसका सीटिंग पोस्चर, ब्रेक जबरदस्त है इस बाइक का, ब्रेकिंग बहुत औसम है बाइक का। तो चलो मैं एक बार कॉल कर लेता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, दूसरा सुपर बाइक का ना पीछे का ब्रेक उतना काम नहीं करता, मगर इसका ब्रेक जो मैंने दबाया ना इतना रिस्पॉन्सिव है, ब्रेक बहुत अच्छा है। और यार गाइस, तो एक दोस्त को मैंने कॉल कर लिया, ओसिम को जो पांचला से, अभी वो भी हम लोगों को ज्वाइन करेगा। उसके पास जो बाइक है ना ZX 10R, वो एक्चुअली अपना मिल्की है, उसका भी हिस्ट्री में बताऊंगा। अभी आप लोग चलते हैं पांचला एंड वहाँ पर जाकर वेट करेंगे। तुमको चलाना? चलाओ, मैं एक बार इसका पीछे बैठ कर देखता हूँ कैसा एक्सपीरियंस। यार मुझे ना पीछे बैठने में बहुत ज़्यादा डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी लग जाता, अभी लग जाता। अरे बाप रे साहिद भाई, साहिद भाई आराम से भाई प्लीज। अरे बाप रे बाप, अल्लाह 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 बचा मुझे भाई, भाई प्लीज भाई, साहिद भाई आराम से यार, अभी मेरा पैन गिला हो जाएगा। बाप रे बाप, मुझे इतना ज्यादा डर लगता है यार पीछे बैठने में। यार आप भगाने बोलो मैं भगा दूंगा, 299 भी मार दूंगा, बट पीछे बैठने बोलो यार 100 किलोमीटर पर आवर स्पीड भी मेरे लिए जहन्नम है। बाप रे बाप, यार भाई ने आने में तो बहुत टाइम लगा दिया। एनीवेज गाइस, अभी मैं पासला में खड़ा था इसलिए एक अपडेट देना है आप लोगों को, वो है कि कमिंग संडे, मतलब आज है फ्राइडे, कमिंग संडे को यहाँ पर जो पासला में अपूर्व ज्वेलर्स है उसी के पीछे हम लोगों का UBK का ऑफिशियल फिस्ट है ऑन दिस संडे। तो होपफुली ये वीडियो आप लोग कल देखोगे सैटरडे को, तो संडे को फिस्ट है, तो हम लोग जितने सारे UBK मेंबर्स है सब लोग आएंगे। तो अगर कोई हो आसपास से मिलने आना है तो आ जाना। तो अभी बस हम लोग निकलते हैं एंड चलते हैं। यार 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 शिट मैन, कितने पैसे? यस ये बाबा, टैक मी टैक मी टैक मी। हेलमेटा खोलून चला अंदर आराम से। कितने का है मुक्ता? এটা হালকা হালকা মুখটা খুলুন, হালকা এখানটা কেটেছে, এখানটা এখানটা কেটেছে, এখানটা কেটেছে। হুম কে টানছে বলতো জিনিসটা? কেউ টানছে, কে রাখছিল ঘুড়িটা? তুমি টানছিলে, আমি হাতে ধরেছিলাম। এই তোমরা এরকম ঘুড়ি ওড়ানো বন্ধ করো ঠিক আছে, লোকের জান চলে যাবে, এখানে সুতোটা ধরে টানছো তুমি তখন দিয়ে। यार क्या चीज़ है भाई, यार उसका मुंह पूरा कट गया उस भैया का।
আজ একটা বিপদ হয়েছে, ঠিক আছে? আমার মনে হয় না যে যাওয়াটা উচিত হবে আপনার। হ্যাঁ যান। ছেঁড়া টান ছিল সুতোটা, গলায় লাগিনি। যদি পড়ে যেত ভাই। দাদা স্ট্যান্ড প্লাস কান মে ফোন ইয়ার কিয়া ভাই। অলরাইট গাইস, তো अभी हम लोग आ चुके हैं कोलाघाट ब्रिज के ऊपर। तो अभी हम लोग थोड़ा सा आगे जाकर रुकेंगे और वासिम भाई तो यार पीछे कहीं खो गए हैं, तो उनके लिए वेट करेंगे प्लस कुछ फोटो भी लेंगे। वाओ यार। और आप लोग इसका एग्जॉस्ट नोट सुन लो। वाह यार बहुत ही मस्त बाइक है। और आगे वसीम भाई भी आ गए, तो अब हम लोग क्या करते हैं कुछ फोटोज लेते हैं। ओके ऑलराइट गाइस, तो अभी आप लोग देख ही सकते हो क्या ऑसम पिक्चर्स लिया भाई लोग। और ये सब पिक्चर अगर आप लोग देखना चाहते हो देन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर नाम आ रहा है बाइकर बॉय जाहिर, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बहुत अमेजिंग अमेजिंग पिक्चर्स अभी हम लोगों ने क्लिक किया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो जस्ट चेक आउट एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। तो चलो अभी निकलते हैं, बस सन इज ऑलमोस्ट अबाउट टू सेट। अब हम लोग चलते हैं सेरे पंजाब। यहाँ पर हमारा समोसा एंड चाय आ चुका है एंड बाइक हम लोगों ने वहाँ पर पार्क कर दिया है। तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद हम लोग यहाँ से निकलेंगे। ऑलराइट गाइस, तो अभी अराउंड बज रहे हैं 5:20 एंड सनसेट हो चुका है और थोड़ी देर बाद अंधेरा हो जाएगा। तो अंधेरा होने के बाद पहले ही हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे एंड एज यू कैन सी ये रहा R6 एंड जाने के टाइम में अंधेरा हो जाएगा, सो कोई वीडियो करके फायदा नहीं होगा। तो मैं अभी वीडियो को एंड करता हूँ। बाय द वे दिस इज द पार्किंग लॉट ऑफ सेरे पंजाब, बहुत ही बड़ा बन चुका है एंड इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ। एक दरखास्त है भाई, जो लोग मतलब काइट्स आप लोग उड़ाते हो वो लोग प्लीज़ थोड़ा सोच समझ के उड़ाओ या तो ना उड़ाओ, क्योंकि आज आप लोगों ने देखा वीडियो में वो काइट उड़ाने के वजह से किसी का जान भी जा सकता था। एनीवेज गाइस, तो होप्स आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है। सो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड मैं बहुत जल्द इंशाल्लाह सुपर बाइक ले लूँगा, तो बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आप लोग दुआ करो एंड इस वीडियो को ज़ोर से लाइक मारना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड यस बहुत ही अमेजिंग था ये बाइक आज राइड करके, बहुत ही अच्छा लगा। बाय द वे एक कस्टम कोटिंग का बाइक है, अपना फिरोज भाई का बाइक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बाइक का जो काम हुआ है, लाइक यहाँ पर जो मेटल फ्लेक्स का काम है, यहाँ पर रेड कलर है एंड यहाँ पर कार्बन फाइबर जो डिपिंग होता है उसका कलर है। तो बहुत ही कमाल का काम हुआ है इस बाइक में एंड फिरोज भाई मतलब अपना कस्टम कोटिंग जो है उसने अपना IC को भी कलर करवाया है, उसने अपने मिल्की को भी कलर करवाया है, प्लस उसने मेरे BMW Z4 को भी मतलब उसके ऊपर भी काम करवाया है एंड ये रहा उनका खुद का बाइक। तो आप लोग देखकर आइडिया कर ही सकते हो कि कितना अमेजिंग इस बाइक के ऊपर काम किया गया है। ये सब लाइक दिस आर नॉट स्टिकर, दिस आर पेंट्स, दिस इज़ ऑल्सो पेंट, दिस इज़ नॉट स्टिकर, ये भी एक्चुअली पेंट है। तो बहुत ही कमाल का काम हुआ है इस बाइक में एंड यहाँ पर आपको दिखेगा ऑल दी मतलब जो सब लिखा रहता है रेव योर हार्ट एंड ऑल दिस ब्रांडिंग्स, तो ये सब भी ना पेंट है, दिस आर नॉट स्टिकर्स। तो यहाँ पर कस्टम कोटिंग भी लिखा हुआ है गाइज। तो यस बहुत ही खूबसूरत हुआ है इसके ऊपर काम, इसका जो हगर है ये भी कार्बन फाइबर डिप है, तो बहुत ही कमाल का काम है एंड दिस प्लेस इज़ ऑल्सो ऑसम। तो गाइज चलो इसी नोट पे करते हैं इस वीडियो को एंड। होप्स आप लोगों को पसंद आया है, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग कुछ पिक्चर्स लिया है बाइकर बॉय जाहिर नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो जरूर से चेकआउट करना। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइड सेफ गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड खुदा हाफिज़।